अगर वरना फर्स्ट आ जाते हैं, सेकंड आने का क्या फायदा, सेकंड तो वैसे भी किसी को याद नहीं रहता। अपने भाई करो, कोई नहीं कोई नहीं। Hey guys, we are back with another reaction video. आज कुछ हम अलग करने वाले हैं। आज ट्रिगर्ड इंसान और फुकरान सर का इतने दिन बाद रियूनियन हुआ है और इस पर उन्होंने बहुत स्पेशल वीडियो लाए हैं बिग बॉस के ऊपर। बिग बॉस से आने के बाद पहला वीडियो है तो जिसका हर किसी का इंतजार था, तो ये वीडियो पर हम रिएक्ट करते हैं। आप देखो एंड तक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइक कर दीजिए। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी थैंक यू जब से निकला है बस अप्रिशिएट ही कर रहा है अपने भाई का। एक साथ हो गए, इतना सेलिब्रिटी फोर्स आज तक नहीं देखा था, पर एक एक को यहाँ तक सांस आ गई थी। ये खेल को नहीं ले जाना। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, जहाँ पे आज है मेरे साथ वो इंसान जिसने बिग बॉस के घर में इतिहास रच दिया, जिस इंसान को पूजा भट्ट जी को खुद सल्लू भाई तक नहीं सुना पाए उससे भिड़ गया। बिग बॉस के घर के सभी मेंबर से अकेला लड़ता रहा, सबको लीड करता रहा, बिग बॉस की गेम को इतने अच्छे से खेलता रहा और उसके बाद भी जीत नहीं पाया। सेकेंड आया है, प्लीज वेलकम फुकरा इंसान। थैंक यू, क्या स्वागत करा है मेरा, जो एंड में ही बोल के सेकेंड। तेरे को पता है एक चीज बस अच्छी हुई तेरे बिग बॉस के घर में जाने से, कि जो लास्ट डे था फिनाले वाले दिन, उस दिन मैंने एक स्ट्रीम करी एंड उस स्ट्रीम पे 352K की पीक वॉचिंग गई, यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे वो स्ट्रीम। सेकंड हाईएस्ट सिर्फ 6000 से रह गए, वरना फर्स्ट आ जाते हैं। सेकंड आने का क्या फायदा, सेकंड तो वैसे भी किसी को याद नहीं रहता। अपने भाई को रोस्ट कर दिया। कोई नहीं हमारे भाई ने बिग बॉस के घर में ट्रॉफी नहीं जीती, दिल तो जीते है ना, कैसा लग रहा है आपको दिल जीत के? कैसा लग रहा है? तो जीता हूं। पहले तो मैं तुझसे यही पूछना चाहूंगा, तेरे को कैसा लग रहा है फाइनली बिग बॉस खत्म हुआ, तू घर आया और मुझसे मिल पाया, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, निश्चित तू मेरा भाई है। इतने सारे सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस एक साइड, इतने सारे लोग और उनके अगेंस्ट सिर्फ निश्चय अकेला खड़ा रहा, और फिर भी हम नेट टू नेट कॉम्पिटिशन दे पाए। 54% वोटिंग उनको, ये बात पे हमें भी बहुत ऐसा लगा, अजीब सा लगा। तो लोग बोलते हैं हम एक कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन मतलब दो हिस्से हो गए कम्युनिटी का, एक मतलब ये दो एक साइड में और पूरा एक साइड में, ऐसा हो गया। दो 6% वोटिंग हमारे को आई है, बट कोई नहीं, तू तो बहुत पॉपुलर हो गया, अब तेरे नाम पे मैं व्यूज खाऊंगा। कितना अच्छा लग रहा है मेरे को कि फाइनली अब मैं फीचरिंग फुकरा इंसान डालूंगा और वीडियो पे व्यूज आएंगे। तू शेर आदमी है, मैंने ये देख लिया, तू शेर आदमी है। जो ये YouTube की ऑडियंस है, क्योंकि हमारे को जो YouTube की ऑडियंस ने प्यार दिया, जेन्युइन जो सबसे ज्यादा प्यार हमारे को मिला है वो YouTube की ऑडियंस से मिला है, और उन्होंने जितने वोट करे हैं। तुम गाइस भाई, मैं रात को 3 बजे स्ट्रीम कर रहा था और 50,000 की वॉचिंग आ रही थी। यूट्यूब के ऑडियंस ने जो भाई सपोर्ट दिखाया है ना, और इसी यूट्यूब ऑडियंस ने मुझे फोर्स भी किया था बिग बॉस पे वीडियो बनाने के लिए, मैं तो देख भी नहीं रहा था, पर फिर मेरे को आने लगे भाई आपके भाई के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोली जा रही है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने यही सोचा था कि अब मैंने ये वीडियो बना तो दिया, अब तुझसे कॉन्टेंट तो निकलवानी है, जब तू वापस आएगा तो कॉन्टेंट यही होने वाला है। मैंने तो कॉन्टेंट में सुना तू मेरे से टांगे दबवाने वाला था। वो एक्चुअली अभी इसको डेंगू हो गया था बिग बॉस के लास्ट डेज में, अभी ये आया अभी जस्ट रिकवर हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ा सा और अच्छे से रिकवर हो ले, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये मेरा असिस्टेंट बनेगा, मेरे चैनल पे पहली बार होगी ऐसी वीडियो में डालूंगा कि फुकरा इंसान बिकम्स माय असिस्टेंट फॉर 24 आवर्स, टांगे दबाऊंगा, सर दबाऊंगा, पूरे दिन इससे मेहनत करवानी है। तो वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसके लिए इस वीडियो पे कुछ लाइक टारगेट देते ना, 1 मिलियन लाइक ऑलरेडी हो चुका है, करेंगे। चलो ठीक है, तो अब मैंने क्या है, अब्बू दो वीडियोस बनाई थी बिग बॉस पे जो मैंने इसको बिल्कुल नहीं देखने दी। कल ये जैसे ही लैंड हुआ है इसने आते मेरे को बोला देखते हैं, मैंने कहा नहीं, ये तो अपना कंटेंट
कंटेंट है, तो अब हम उसी वीडियोस पे तेरा रिएक्शन देखने वाले हैं। एंड तेरे को मैं बस एक चीज बता दूं, अब इन वीडियोस पे, ये जो मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, इन पे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, आपकी इन्हीं वीडियोस की वजह से ये जीता नहीं है। ऐसा क्या कर दिया तूने? तू अभी देखेगा। हमारे घर में खाना खाने के लिए आटा तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में पीने के लिए पानी तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारे पास तो घर ही नहीं है, गटर में रहते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अपनी जिंदगी चल रही हो या ना चल रही हो, सामने वाले की जिंदगी कलेश देखना। I like it. जी हाँ, बिग बॉस वही जहरीला शो जिसका एक एवरेज व्यूअर सामने वाले को सोते हुए देख के भी एंजॉय कर लेता है। Wow, कितना इंटरेस्टिंग है, मजा ही आ गया, अमेजिंग। बट ये तो बात सच है, तेरे को सोते हुए भी देखते थे मम्मी पापा। मम्मी कहती कि तेरा खराड़े भी दिखा रहे हैं बिग बॉस वाले। मैं कब, हाँ तू रात को सो रहा है, खराड़े मार रहे हैं और मम्मी पापा बोल भी देख रहे हैं। क्या बढ़िया सो रहा है। एक बात समझ, लड़का लड़की को पहले दिन ही कह देते हैं जान ना पहचान, हम तेरे मेहमान, बैठ जाओ सो जाओ एक ही बिस्तर पे। अरे तू एक सेम बेड पे सो रहा था, वो भी एक अननोन के साथ, तेरे को अजीब सा नहीं फील हो रहा था? पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं सोते सोते ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ के जाओ और मुंह पे चाटा, और लड़की बोला अरे वो छोड़, चाटा तो दूर की बात है, कहीं रात को सोते सोते टेडी बियर समझ के ऐसा करके यूं हग तो नहीं कर दी? हग करने से पहले हग देता हग दिया। मेरा सगा भाई, मेरा अपना खून अभिषेक, एक फुकरा इंसान आया हुआ है ना इस सीजन में बिग बॉस के। वैसे तो मैंने अभिषेक को पहले मना किया था कि तू क्यों जाना चाहता है बिग बॉस में, वेले लोग जिनके पास काम धंधा नहीं होता करने को, जिनके करियर खत्म हो जाते हैं वो जाते हैं बिग बॉस में, तू क्या करेगा जाके? एक चीज है लोगों को बता दे, तेरे को मैंने मना किया था कि नहीं किया था कि मत जा? इसको तो पहले ही बोल देता, अबे क्या करेगा वहां जाके, सही तो चला। सिर्फ हमारे घर में ना मेरे पिताजी थे, हाँ जाओ जाओ बेटा बिल्कुल जाओ। मैंने बोला यार एक बात बता, फॉर रियल बिग बॉस में वो लोग जाते हैं जिनका एक्चुअली में काम धंधा नहीं चल रहा होता या करियर जो है वो डिक्लाइन पे होता है, साढ़े अच्छा खासा यूट्यूब पे चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ग्रो करता हुआ कह रहा बिग बॉस में जाऊंगा, तो ग्रो करता करता अब और ग्रो हो जाएगा ना वो, तो अब ऐसे पहले ग्रो हो रहा था, अब तो वो भाई अब तो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है भाई की। अरे अरे एयरपोर्ट पे भाई ऐसा लोग चढ़े जो भाई फोटो हो जाए। अरे वाह, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है। जस्ट बिकॉज मैं जल्दबाजी में आपकी बात के बीच में बोलना शुरू कर दिया तो मैं घमंडी, कोई लॉजिक है, कोई सेंस बन रही है इस बात में? नहीं, नकली हवा भर रखी है, नकली हवा, नकली हवा। ये तो इतनी बार नकली हवा, नकली हवा, नकली हवा, नकली हवा बोल रहा था, भगवान कसम मेरे मन में आ रहा था एक बार तो बोलता है बीच में और बोलता है। ये बढ़िया था, ऑडियंस की वोटिंग पे रैंक वन आया था अभिषेक, बुकरा इंसान एक पर है, और ये जो सो कॉल्ड पैनल बैठा हुआ था इन्होंने उसको रैंक सिक्स पे डाल दिया, यानी 75,000। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, ये भगवान कसम मेरे मुंह पे भी ऐसा था कि मैं बस बोल दूं, फिर मैंने कहा नहीं यार चवा नहीं बोला, पागल है क्या? यूट्यूबर्स की एक आदत होती है कि जब भी कोई ऐसा मीम निकल आता है तो मीम निकल आता था, वो एकदम से जैसे वो बार बार बोल रहा था तो मेरे मीम निकल। ये वाली वीडियो तो लाइक ओके थी, इंट्रो वीडियो थी, पर ये वीडियो जो है ये वीडियो एक्चुअली शायद वो रीजन हो सकती है जिसकी वजह से यू नो सारे ये अभी इंट्रो वीडियो में तो पुनीत का तो इतना ही रोल होगा ना, क्योंकि पुनीत तो बस इंट्रो वीडियो तक ही था, फिर एक दिन बाद वो चला गया था। इंट्रो वीडियो में एक्चुअली मैंने ये बोला था कि पुनीत को जो इन्होंने निकाला ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, निकालते नहीं है। मुझे क्या लगता है उसने क्या कर रखा होगा? रिवील करने वाला है आज, मैं रिवील करने वाला हूँ कि पुनीत को भाई कहीं पे भी किसी ने नहीं सुनी होगी, पुनीत सुपरस्टार को एक्चुअली जितना हमें दिखाया निकाला इसलिए गया क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा लाइक चिल्लाए जा रहा था, एंड दूसरा कोई वो टॉयलेट वाला सीन हुआ था, पॉटी वाला टॉयलेट वाला सीन हुआ था मेन, जहाँ पर बिग बॉस ने पुनीत को निकाला, तो वो हुआ क्या था एग्जैक्टली नहीं बताया। सुपरस्टार ने क्या करा, इंग्लिश जो सीट लगी हुई थी वहां पर उस पे हिंदी पोजीशन में पॉटी करने बैठ गया और पूरा पूरा सीट टॉयलेट सीट कमोड पे ऐसे पिकासो वाली पेंटिंग आए आए ऊपर नीचे दाएं बाएं पोटी गिर रखी, और जब अंदर वो घुसा अविनाश तो उसने देखा ये टट्टी किसने की है, हमने कहा पुनीत, इसलिए तो वो सारा कलेश हुआ था। और फिर पूजा जी ने एकदम से उठ के बोल दिया कि आई फील अनसेफ विद हिम, और भाई पूजा जी ने अगर बोल दिया है फिर तो खत्म। अरे यार पूजा जी बिग बॉस से ऊपर थी, क्या बात कर रहा है तू, बिग बॉस पूजा जी की सुनता था। पूजा जी चाहती है बिग बॉस आज ये करे। पूजा जी ने तो ट्रॉफी में कुछ बोलने वाला था, हिंदी में बैठा हुआ पे बोला पूजा जी ने ट्रॉफी मैनिपुलेट किया, ये बोलने वाला था लेकिन बोल नहीं पाया बेचारा, मतलब एग्रीमेंट सिक्योरिटी में तो इनका साइन होगा एग्रीमेंट इसीलिए नहीं बोल पाया, लेकिन के अंदर होता है हाँ, नहीं तो और कुछ रिवील करता है, लेकिन धीरे धीरे आएगा, बोल दिया ऑलमोस्ट बोल दिया कि पूजा जी ने ट्रॉफी मैनिपुलेट किया है, मतलब फुकरा को तो ऑलरेडी पता है अंदर क्या क्या हुआ है।
नेक्स्ट लेवल बंदा हुआ है। मैंने अपने आप को भी देखा, मैं जब भी पुनीत कुछ सामान उठाता हूं मैं करते करते क्रेजी। अच्छा तो अब ये वाली वीडियो में प्ले करता हूँ, ये वीडियो प्रोबेबली रीजन है तेरे को हरवा दिया भाई। नमस्कार, यह वीडियो बिग बॉस में बोली गई बातों का फैक्ट्स के साथ जवाब देने के लिए बनाई गई है, क्योंकि काफी सारी बातें बोली जा चुकी है और भाई होने के नाते मेरे को तो बहुत खुन्नस आ रही। लेकिन अगर आपको सच से एलर्जी है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी तकलीफ हो सकती है, बट मुझे क्या, तेल लेने जाओ। अब कह रहा मुझे मेरी पनिशमेंट हुई वो मेरे को उसके बात ना करिए अगर आप मैम, अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश ऐसी हुई है। वाओ, आयरनी देख रहे हो, परवरिश की बात कर कौन रहा है, कुछ चंद पैसों के लिए ना हमने अपने खुद के पिताजी के साथ और इनके पिताजी महेश भट्ट और उनकी बेटी की उम्र की लड़की रिया चक्रवर्ती के अफेयर के बारे और सुशांत सर के केस में महेश भट्ट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो मेरे भाई की परवरिश के बारे में बोलने वाले ये लोग पूरे दिन निकोटीन की च्युइंगम में चबाते हैं ताकि इनको सुट्टा पीने की तलब ना मचे, और मेरा भाई जो ना ही सुट्टा पीता ना ही दारू पीता ना ही कोई उसको गलत आदत ना ही कोई नशा करता है उसकी परवरिश। अरे शर्म करो, तुम अपने घर में अपने माँ बाप से भी बात करते होंगे, तुम अपनी माँ पे तन तन के जाते होंगे। ये फलकनाश इसका खुद का भाई शिजान खान टुनिशा शर्मा मर्डर केस में जेल में था और ये मेरे भाई के संस्कारों के बारे में बोल रही है। ये मैं जनरल बताऊं, मैं अब समझ रहा हूँ कि सारे घर के अंदर तेरे को भाई भाई कर रहे थे, बाहर निकलते सारे पलट क्यों गए थे। एक्चुअल बता रहा हूँ, जब फाइनल में सबसे पूछा गया कि किसकी रणनीति बेटर थी, सारे पलट गए। मैं कहा साले साहब, नाउ आई कैन रिलेट कि वो क्यों पलटे उन्होंने वीडियो। अरे ये सब बातें तो तूने सुनी भी नहीं होंगी जो तेरे बारे में बोली पीठ के पीछे। नहीं नहीं, मुंह पे बोलने का दम ही नहीं रखते थे। मजाक में ही बोलते हैं बट ठीक है। पर ये तो हमारी माता जी तक ही पहुंच गई कि अभिषेक तो अपनी मम्मी की डिसरिस्पेक्ट करता होगा, उनसे ढंग से बात नहीं करता होगा। अरे तुम्हारी अनबन हुई अभिषेक से, तुम्हारे जो मन में आया तुमने बोल दिया, चलो ठीक। अब हमारा रिएक्शन इतना तकड़ा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट के लिए कमेंट करिए। अपने वीडियोस पर रिएक्ट करते हैं, पहला वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब दोनों भाई पहली बार एक वीडियो में आते हैं बिग बॉस में इतने दिनों बाद रहने के बाद, तो फाइनली उनका रियूनियन हुआ है और उन्होंने रिएक्ट किए है, थोड़ा बहुत रिवील भी किए थे, उतना इंसान ने जितना हो सका उतना उन्होंने सीक्रेट्स रिवील किए, तो बहुत ही मजा आने वाला है, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। उकरान इंसान ने आज लाइव आकर भी बहुत कुछ रिवील किए, तो आप लोगों को कैसा लगा बताओ कमेंट में और सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल।